नमस्कार, जय श्री राम। YouTube चैनल मैथ्स एरा एड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं ट्रीटमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी, डिप्लोमा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मेटेरियल में अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। पेपर 2022 BTR का जो पहला आया था, लास्ट एग्जाम जो है उसका सेक्शन सी की शुरुआत हम अभी कर रहे हैं, जो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले। इसके पहले के दो वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन करा चुका था। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें एक दे रखा है चैनल सेक्शन। देखिए, एक जिसकी लेंथ की विड्थ है 10 सेंटीमीटर, ओवरऑल डेप्थ है 40 सेंटीमीटर और लेंथ की मोटाई है 1.5 सेंटीमीटर और वेब की मोटाई है 1 सेंटीमीटर। हमें इसकी से अबाउट x एक्सिस एंड अबाउट y एक्सिस। अब देख रहे हैं x एक्सिस जो सेक्शन आप देख रहे हैं पूरा सिमेट्रिकल है। अब देखो ये x एक्सिस के ऊपर अपने पेन रखा है, यहां पे ऊपर नीचे एक जैसा है, लेकिन y एक्सिस जो होती है उसके अबाउट ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये पोर्शन हैवी है, उधर वाला पोर्शन हल्का है। तो ये इसकी सीजी की लोकेशन है, ये x एक्सिस और वो y एक्सिस। हमें ix यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, y बार, जो ये सिमेट्री से एकदम से पता पड़ जाएगा। टोटल डेप्थ कितनी है 40, तो y बार कितना हो जाएगा 20, निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिमेट्री है। लेकिन x बार निकालना पड़ेगा, iy निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस निकालने के लिए पड़ेगा। आप जानते हैं कि x बार जो होता है वो फॉर आई वाई, y बार होता है वो फॉर आई एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस निकालने के लिए y बार की जरूरत, x बार की जरूरत पड़ती है। अब x एक्सिस के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आसानी से निकल जाता है। एक चैनल सेक्शन जो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, हमने इसको दो भागों में बांट दिया। एक तो ये पूरा रेक्टेंगल क्या साइज है 10/40 और एक अंदर का ये ना डॉटेड पोर्शन, ये वाला मेरा पेन मूव कर रहा है इस प्रकार से, ये अगर मैं इस बड़े रेक्टेंगल में से जिसकी साइज है 10/40 में से छोटा रेक्टेंगल 9/37 लेस कर दो, घटा दो, तो ये चैनल बच जाएगी। ये 37 कहां से आया? देखिए फ्रेंच की थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 3 टोटल 40 में 3 गए तो 37, तो ये अंदर से 37 सेंटीमीटर है। और ये 9 कैसे हुआ, पूरा कितना है ये 10, 10 में से इसकी थिकनेस से 1 कम कर दो, ये होगी 9, तो 9/37 का ये ट्राइंगल रेक्टेंगल है। ये जो रेक्टेंगल है 9/37 का, इसकी सीजी कहाँ आएगी, बिल्कुल बीचों बीच में, और जो पूरा रेक्टेंगल है 10/40 का उसकी भी सेंटर में आएगी। तो आप देखेंगे कि ये तीनों सीजी यानी जो बड़ा रेक्टेंगल है उसकी, जो छोटा है उसकी और ये चैनल सेक्शन की एक ही लाइन पे आ रही है। तो बड़ा सिंपल है इसका आई एक्स निकालना, जो बड़ा रेक्टेंगल है ना उसकी विड्थ 10 × डेप्थ 40 3/12 माइनस छोटा जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ 9 × डेप्थ 37 3/12। यहाँ पे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जिस रेक्टेंगल घटाया है और जिस रेक्टेंगल को घटाया है उन दोनों की सीजी इसी एक्स एक्सिस पर आ रही है। ये सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 15,343.58 सेंटीमीटर।
अब एक्स बार निकालेंगे, एक्स बार निकालने के तरीके क्या होता है, हमने इसको तीन भागों में बांट दिया। ये पहला वाला दिख रहा है, ये वाला पोर्शन नाप क्या इसका, ये 1/40 ये दूसरा 9/1.5 तीसरा भी सेम 9/1.5 ये तीन एरियाज हमने लिए और एक्स बार निकाला। क्या फॉर्मूला होता है एक्स बार का, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ए वन कितना होगा 40 × 1 40 cm². ए टू और ए थ्री बराबर है ड्यू टू सिमेट्री, कितना 9/1.5 × 1.5 10 − 1 × 1.5 किया मैंने 9 × 1.5 ये हो गया 13.5 cm². एक्स वन ये वन पोर्शन ये वाला है, इसकी सीजी कहाँ होगी, यहाँ होगी, वो यहाँ से कितना दूर है आधा सेंटीमीटर, तो एक्स वन हो गया आधा सेंटीमीटर। एक्स टू एक्स थ्री चूंकि जहां से एक्स वन नापा गया है वहीं से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री नापे जाते हैं और ये जो 9/1.5 का जो रेक्टेंगल है इसकी सीजी यहाँ आएगी, ये 9 है तो 9 का आधा कितना होता है 4.5, यहाँ से 4.5 यहाँ से कितना 1 + 4.5 तो 1 + 9/2 यानी कि 4.5 + 1 5.5 एक्स थ्री भी इतना ही होगा। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, एक्स बार निकल गया 2.515 cm। अब देखिए आई वाई निकालेंगे, आई वाई कैसे निकलेगा, आई वाई वन प्लस आई वाई टू प्लस आई वाई थ्री। आई वाई वन पहला वाला देखिए, इसकी विड्थ है बी 1 cm, डेप्थ है डी 40। हम आई वाई निकाल रहे थे, डी बी क्यू बटा 12, डी का मतलब 40 × 1³/12। देखिए 40 × 1³/12 लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगल वन की अपनी खुद की एक्सिस पे है, ये यहाँ पर है, इस एक्सिस पर है और हमको यहाँ चाहिए तो प्लस ए एच स्क्वायर, ए मतलब इसका एरिया, एच मतलब ये डिस्टेंस। ए तो हमने ले लिया ए वन जो कि 40 है, अब देखिएगा ए वन 40 है और एच का तरीका सिंपल होता है कि आपने जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री निकाला ना तो एक्स वन और एक्स बार का डिफरेंस ले लेंगे बस, सेकेंड एरिया केस में एक्स टू और एक्स बार का डिफरेंस, थर्ड एरिया में एक्स थ्री और एक्स बार का डिफरेंस। तो एक्स बार कितना था, एक्स बार था 2, एक्स वन था 0.5, बड़ा कौन है 2.515, 2.515 में से पॉइंट ये 0.5 घटाया, 2.515 में से 0.5 घटाया, इसके स्क्वायर करते हो गए ना ए एच स्क्वायर, इसको जो सॉल्व करेंगे 165.7423 cm³ की पावर 4 आएगा। आई वाई टू देखिए ये है, इसकी विड्थ कितनी है 9, डेप्थ कितनी है 1.5, लेकिन ये आई वाई निकालते डीबी क्यू तो 1.5 × 9³/12 प्लस ए एच स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है सेकेंड नंबर इसकी जो सीजी है वो वाई एक्सिस पर नहीं आती है तो प्लस ए एच स्क्वायर, ए कितना है ए टू कितना है, ए टू इसका 13.5 तो प्लस 13.5। एच कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया एक्स टू और एक्स बार का डिफरेंस लेंगे, एक्स बार कितना है 2.515, एक्स टू कितना है, एक्स टू है 5.5, बड़ा कौन है 5.5 तो 5.5 में से 2.515 घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया DB³ प्लस AH स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 211.413 cm³ की पावर 4 और IY3 जो है ड्यू टू सिमेट्री सेम है जैसे तो उसका भी IY2 के बराबर ही होगा 211.413 cm³ की पावर 4 और IY फाइनल निकलेगा IY1 प्लस IY2 प्लस IY3 तीनों जोड़ देंगे तो 588.4 IX is equal to, आपने IX निकाला था ये 15,343.58 है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तो
एक क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये है क्वेश्चन नंबर 11। अभी आज जो तारीख है वो है 6 फरवरी। 8 फरवरी को आपके एग्जाम है CE 300। ठीक है, इसके पहले CE 3002 में बहुत ज्यादा हमारा जो हमने प्रेडिक्शन किया था बहुत ज्यादा सफल रहा। बच्चों के सैकड़ों की संख्या में मैसेज आए मेरे पास में अच्छा एग्जाम होने के लिए। उसके पहले 1001 के भी बहुत ज्यादा मैसेज आए। बच्चों की डिमांड पर मैंने ऑनलाइन क्लासेस की योजना बनाई बच्चों के हित की दृष्टि से। बच्चे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं लेकिन फिर भी उनको अच्छे नंबर नहीं मिलते, अच्छी कोचिंग नहीं मिलती। मैंने 4 सेमेस्टर के लिए 4001, 4002, 4003 इन 3 सब्जेक्ट में ऑनलाइन कोचिंग करने का फैसला किया बच्चों के लिए, हाइड्रोलिक्स, एडवांस सर्वेइंग और सर्वे स्ट्रक्चर। इसके साथ में मैथ सेकंड और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2001, 2005। उसके अलावा मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए 4002 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ेंगे ये 3 सब्जेक्ट उनको मात्र 1999 रुपये फीस देनी होगी। ये जो 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे ऑनलाइन उनको सिर्फ 1499। अगर किसी स्टूडेंट ये जो 4 सेम है उसके दोनों बैक है और ये 3 5 पढ़ते हैं तो कॉम्बो पैक में मैंने 2999 का एक प्लान बनाया हुआ है। 21 फरवरी से क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। ये वीडियो होंगे रिकॉर्डेड, ऑनलाइन क्लास जो कि लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड वीडियो से मैं आपको पढ़ाई करूंगा और कोई डिफिकल्टी होगी उसकी सोल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर। गवर्नमेंट पोर्टिंग कॉलेज जोधपुर के या जोधपुर के दूसरी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज दूसरे पोर्टिंग कॉलेज के बच्चे जो है जैसे SLBS है कोई दूसरी कॉलेज है उनके बच्चों के लिए एक प्लान है। ऑफलाइन पढ़े तो अलग उसके लिए मिलना पड़ेगा और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की एक सुविधा मैंने दी है कम फीस के अंदर। जैसे वो 3 सब्जेक्ट हैं 4001, 2, 3 1999 के साथ में अगर 1500 जमा करा दें एक सब्जेक्ट के 500 × 3 = 1500 तो ये 3499 रुपये यानी 35 रुपये। देखिए रोजाना आना जाना महंगा पड़ता है, पेट्रोल खर्च होता है, थकान होती है, तो 3500 के अंदर 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन सुविधा मिलेगी, प्लस सप्ताह में एक दिन जब कभी हमारी बीच की आपसे सहमति हो उस दिन मिलके अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं ऑफलाइन घर पे आके। इसका फायदा क्या होगा, पैसे की बचत, समय की बचत, थकान भी नहीं। सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1499 प्लस 1000 रुपये ऑफलाइन अगर करें कभी कभार। तो मेरा ये प्रयोग पिछली बार बहुत सफल रहा है, बहुत बच्चों को फायदा हो रहा है तो ये आशा की जाती है कि इस बार बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। मैकेनिकल के बच्चे 999 रुपये प्लस 500 रुपये देंगे तो कभी कभार ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन हो जाएगी 1499 में। मेरे से पढ़कर बच्चे कितने अच्छे मार्क्स लाएंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अनुभव करके देखिए। गारंटी से A+ ग्रेड। अगर हमारे पढ़ाए हुए हमारे बताए हुए वीडियो सेम डे देखकर अपनी पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं और डिफिकल्टीज को सॉल्व करवाएं। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं, वीडियो देखेंगे अपने नोट्स भी बनाएंगे तो होगा। तो आशा करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठाएंगे और अपना धन समय श्रम सब बचाएंगे और अच्छा रिजल्ट पाएंगे। मिनिमम एक्सपेंडिचर मैक्सिमम रिजल्ट। आगे चलते हैं। ये 11वां क्वेश्चन जो था ये स्कीयरफुट डायग्राम बेनिमम डायग्राम का था। डेड डेड 3-2 कुल 5 मीटर स्पान है इसका। ये 10 kN और 10 kN 2 पॉइंट लोड लगे हुए यहाँ से डेढ़ मीटर वहां से डेढ़ मीटर। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है
लोडिंग सिमेट्रिकल है, ये भी दस है, डिस्टेंस डेट डेट। तो जब लोडिंग सिमेट्रिकल होती है ना, तो एक तो रिएक्शन बराबर बराबर बढ़ जाती है, और कितना भार है, दस और दस बीस, बीस का आधा दस इधर, आधा दस इधर, ये। और आप अगर निकालेंगे भी, मान लो मोमेंट लेके भी निकालेंगे, तब भी दस ही आएगी। आप अगर से कहेंगे ना आर बी इंटू पांच बराबर दस इंटू डेढ़ प्लस दस इंटू साढ़े तीन, आर बी निकालेंगे तो दस ही आएगा, और बीस में दस घटाएंगे दस आर आ जाएगा। अब देखिएगा शीयर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, तो शीयर फोर्स डायग्राम बनाने के जो नोटेशंस होते हैं, साइन कन्वेंशन, वो आप ध्यान रखें जो हमने फॉलो किया है। यहाँ पे सेक्शन के राइट साइड में अगर नीचे फोर्स लग रहा है या लेफ्ट में ऊपर लग रहा है, ये प्लस का आ जाएगा, उसका उल्टा राइट में ऊपर या लेफ्ट में नीचे, ये दोनों ही माइनस है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए ये साइन कन्वेंशन है, सेक्शन की राइट में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज, यानी सैगिंग बेंडिंग मोमेंट वो प्लस होगा, और राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट वो माइनस होगा। इसका फिगर आप देख ही रहे हैं, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे रिएक्शन आपको पता है ना, जहां पे रिएक्शन होती है या जहां कोई पॉइंट लोड होता है, वहां एक वर्टिकल लाइन जरूर आती है। देखिए वर्टिकल लाइन है, आप देखेंगे राइट में ऊपर की ओर, और राइट में ऊपर की ओर माइनस होता, देखिए है ना माइनस, ये राइट में ऊपर माइनस है, तो देखो नीचे आ रही है माइनस टेन, फिर यहां से यहां तो कोई लोड ही नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट चलेगा। फिर जैसे ही डी पे आएंगे और जस्ट लेफ्ट में आएंगे और राइट में देखेंगे, तो ये माइनस टेन प्लस टेन जीरो हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक कोई लोड नहीं है, तो जीरो कांस्टेंट चलेगा। फिर ये टेन नीचे है, राइट में नीचे प्लस होता है, देखिए जीरो से प्लस दस हो गया, फिर कांस्टेंट और फिर जीरो हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, शीयर फोर्स डायग्राम एंड शीयर फोर्स इन किलो न्यूटन, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। सिंपल सपोर्ट जो होते हैं किनारों पर, वहां बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, और जो डीपी निकालेंगे वही ईपी होगा। डीपी कैसे निकालेंगे, अब राइट में देखिएगा, राइट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट में एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, माइनस, तो माइनस टेन इंटू वन पॉइंट फाइव, तो माइनस फिफ्टीन, सॉरी राइट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, सेकिंग प्लस होता है, राइट में ये राइट में देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये राइट में एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा नहीं, देखो इसके राइट में देखेंगे ऊपर, राइट ऊपर कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो राइट में एंटी क्लॉक प्लस होता है, तो प्लस ही है ये, कितना 15, क्योंकि सिमेट्री है तो यहाँ भी 15 ही होगा। जिस पोर्शन में अब देख रहे हैं यहाँ पे लाइन कैसी आ रही है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की तिरछी लाइन आ जाएगी, यहाँ पे ये एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन है। नॉर्मली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कभी लाइन हॉरिजॉन्टल आती नहीं है, नॉर्मली नहीं आती है, तो इस क्वेश्चन में आई है। लोडिंग इसी प्रकार के, आप देखेंगे कि डी से सी के बीच में कोई सा सेक्शन ले लो, आप कोई सा सेक्शन ले लो कहीं पर भी, बेंडिंग मोमेंट हमेशा 15 ही रहेगा, ये मैंने आगे बताया भी है। ये देखिएगा पूरे इसके, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं सिस्टमेटिकली जो मैंने किया हुआ है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं देख लीजिए, जहां पे रिएक्शन है या जहां पे पॉइंट लोड है, वो मैंने शीयर फोर्स दो बार निकाला है, एक बार जस्ट टू द राइट ऑफ दैट पॉइंट, दूसरी बार जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ दैट पॉइंट, क्योंकि शीयर फोर्स डायग्राम सडनली वेरी करता है पॉइंट लोड वाले जगह पर। बी बिंदु पर देखिए आप रिएक्शन है, डी पर पॉइंट लोड है, सी पर पॉइंट लोड है, ए पर रिएक्शन है, चार पॉइंट पे आपको आठ रीडिंग दिखेगी, दो बी पर, दो डी पर, दो सी पर, दो ए पर, और सब वैल्यूज आपके सामने पड़ी है, जीरो माइनस टेन माइनस टेन, जीरो माइनस टेन माइनस टेन, जीरो फिर जीरो जीरो टेन टेन और जीरो, दीज ऑल आर शोन इन द फिगर। एम ए बराबर एम बी, सिंपल सपोर्ट एट एंड्स, और मोमेंट जीरो होता है, और एम डी पे मैंने निकाला था 15 किलो न्यूटन मीटर, राइट से निकाला।
अच्छा अगर हम कोई सेक्शन लेते हैं, देखिए मैंने एक आपको एमडी बराबर फ्रॉम लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट से निकालेंगे ना डी पर, लेफ्ट कैसे निकालेंगे डी पर, ये डी के लेफ्ट के अंदर कैसा मोमेंट है ये, और लेफ्ट में क्लॉकवाइज कैसा होता है, प्लस कितना 10 × 3.5 और माइनस का 10 × 2। देखिएगा 10 × 3.5 माइनस का 10 × 2, अब देखेंगे ये भी 15 ही आया है, सेम आया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट किया इसके अंदर होता नहीं है इसमें है कि डी और सी के बीच में कॉन्स्टेंटली जीरो है बेंडिंग मोमेंट, उसके लिए मैंने सेक्शन लिया यहाँ पे दूरी एक्स पर, यह मोमेंट राइट में एंटी क्लॉकवाइज, राइट में एंटी क्लॉकवाइज माइनस होता है, तो माइनस टेन इंटू एक्स, माइनस टेन मैं यहाँ निकाल रहा हूँ एक्स एक्स, माइनस टेन इंटू एक्स और प्लस का टेन इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी एक्स माइनस 1.5, माइनस टेन इंटू एक्स, ये देखिएगा टेन इंटू एक्स माइनस प्लस होगा क्योंकि राइट में एंटी क्लॉकवाइज, राइट में एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, तो प्लस टेन इंटू एक्स और माइनस टेन इंटू एक्स माइनस 1.5, टेन इंटू एक्स माइनस टेन इंटू एक्स माइनस 1.5 कर देगा 15 रहेगा जो कि कॉन्स्टेंट है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये 2022 का जो सवाल आया था सिंपली सपोर्टेड बीम का वो अच्छे से समझ में आया होगा। इस बार मुझे आशा इस प्रकार की है कि कैंटिलीवर का कोई सवाल आना चाहिए या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल एंड कपल। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। जय श्री राम।